हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन। मेरा नाम जूही है और आज मैं आपको पढ़ाने जाने वाली हूँ अबाउट न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, जो कि क्लास 7 CBSE का चैप्टर 1 है। तो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। तो आज का हम सेशन शुरू करेंगे विद मोटिवेशनल थॉट, जो कि है ऑलवेज डू योर बेस्ट, वॉट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। इसका मतलब ये है कि बच्चों, जो आज आप जो आज करने वाले हो, यू मेक श्योर कि वो वर्थी है। मतलब आज जो डिसीजन लेने वाले हो वो अच्छा डिसीजन हो, ताकि आज जो आप डिसीजन लोगे वो आपका फ्यूचर रिफ्लेक्ट करेगा। सो वॉट यू प्लांट नाउ, मतलब जो आप आज क्रिएट कर रहे हो कोई चीज, तो वो आगे जाके आपको अच्छा फल देगा। इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। तो यही मोटिवेशनल थॉट कहता है। तो लेट्स अब गेट इनटू आवर द मेन टॉपिक, व्हिच इज न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। तो जैसे कि वी हैव स्टडीड इन क्लास 6, जो जिसका चैप्टर चैप्टर नेम वाज फूड एंड इट कंपोनेंट्स, जिसमें आपने पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, व्हिच इंक्लूड्स विटामिंस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव, राइट। तो अब ये चीजें हम फूड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये फूड कहाँ से बनता है, किस में बनता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब ये न्यूट्रिशन होता क्या है और किस में ये पाया जाता है। न्यूट्रिशन बेसिकली उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, और फूड किससे बनता है, विच आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस स्लाइड आई मीन, सॉरी। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, एंड ये प्लांट सिंथेसाइज करता है। हाउ टू प्लांट सिंथेसाइज फूड, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। तो ये हम एनिमल्स ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज फूड आर सेल्फ। तो वी हैव टू डिपेंड आर क्या कहते हैं, फूड ऑन अदर्स। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो अब आप ये पूछोगे कि अब ये प्लांट खाना कैसे बनाते हैं और हम इनसे खाना कैसे लेते हैं। तो प्लांट्स आके न्यूट्रिशन दो मोड से, दे हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। अभी कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये जो रॉ मटेरियल्स होता है, ये इनके सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो द प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो इसमें व्हाट इज द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। समझ में आया, न्यूट्रिशन उसे न्यूट्रिशन किससे मिलती है, जब हम कुछ खाना खाते हैं उससे वी गेट न्यूट्रिएंट्स इन आर बॉडी। तो यही कहा गया है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। कैसे हम यूटिलाइज करते हैं हमारी बॉडी में, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होते हैं, वो दो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक। बाय द टर्म ऑटोट्रॉफिक हम ये मीन करते हैं कि ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। तो जब प्लांट्स आके खुद का ही खाना खुद से ही प्रिपेयर करती है, उसको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और हेटरोट्रॉफिक किसको कहते हैं, अदर्स। हेटरो मींस अदर्स, मतलब जैसे कि ह्यूमंस, वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर आर फूड, वी कैन नॉट प्रिपेयर आर फूड बाय आर सेल्फ, इसलिए उसको हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। यही इस स्लाइड में भी बताया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर ओन फूड, वेयर एज हेटरोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मस्ट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। और इसके ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल है प्लांट्स, सम प्रोटिस्ट एंड सम बैक्टीरिया, और हेटरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल है एनिमल्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो आपको ये क्वेश्चंस, लाइक ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस पूछे गए कि नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब ये खाना किधर बनता है प्लांट में, कौन से पार्ट में बनता है। सेकेंड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट। तीसरा, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये कैसे न्यूट्रिएंट्स इनको मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं।
और फोर्थ है हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ दी प्लांट। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि ये फूड फैक्ट्री होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट में जो दिया है फूड फैक्ट्रीज, ये कहाँ होते हैं? तो फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लीव्स। ओके, तो लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं कॉम्पोनेंट है वो है वॉटर एंड मिनरल्स। और ये कहाँ पाया जाता है? दीज आर यूजुअली इन दी सॉइल्स एंड आर दीज आर अब्सॉर्ब बाई दी रूट्स एंड फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स पे। राइट, तो वॉटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में होता है इट ये कैसे प्लांट में जाता है? थ्रू दी रूट्स। ओके, रूट्स स्टेम्स उसके थ्रू लीफ में स्प्रेड होता है। एंड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ वेजल्स। ये वेजल्स जो होते हैं दे आर दी स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से न्यूट्रिएंट्स पानी जो भी है इट गोज थ्रू। यही नेक्स्ट द प्रोसेस बाय विच ये ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। फोटोसिंथेसिस आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है फोटोसिंथेसिस क्या है। तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन वेरी करेक्ट। तो उसका डेफिनेशन हम वापस पढ़ते हैं। वेन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड लाइट एनर्जी बाय यूजिंग सनलाइट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब कि लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन और टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जब प्लांट्स खाना बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस फोटो में आप देख सकते हैं लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है एंड इट गिव्स आउट ऑक्सीजन। प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। राइट, तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है इसमें और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं? गार्ड सेल्स का डेफिनेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी व्हेन इट इज गिवन आउट इन द एयर लाइक फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब ये सरफेस ऑफ द लीव्स जो होते हैं उनके ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं। जो पोर्स होते हैं उसको हम स्टोमेटा कहते हैं और जो उसके सराउंडिंग में पोर्स ये जो पोर होता है उसको गार्ड सेल्स कहते हैं। आप ये इधर फिगर में देख सकते हो गार्ड सेल्स और ये जो बिटवीन ओपनिंग है वो स्टोमेटल ओपनिंग स्टोमेटा कहते हैं इसको पोर विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, और नेक्स्ट द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट। अब इसका कलर क्यों ग्रीन है? यू मे आस्क दिस लाइक इसका कलर इसलिए ग्रीन है कि दे प्रोड्यूस द कंपोनेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स। ठीक है, एंड ये क्या करता है? इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ओके, दिस एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑक्सीजन जो रिलीज होता है हमारे इस रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। और इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। कैन यू अंडरस्टैंड बाई दिस टर्म? अगर फोटोसिंथेसिस है ही नहीं तो प्लांट खाना नहीं बनाएगा एंड वेन दे डोंट प्रिपेयर फूड वी विल नॉट गेट फूड। Therefore, life would be impossible on Earth. So, during photosynthesis, chlorophyll-containing cells of leaves in presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. Carbohydrates matlab sugar, right? C6H12O6. तो यही जो हमने previous slide में पढ़ा था वही इधर दिया हुआ है कि photosynthesis कैसे carry out होता है in presence of sunlight. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर विच गिव्स द प्रोडक्ट ग्लूकोज विच इज लाइक विच इज शुगर प्लस ऑक्सीजन। तो प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हेल्प फॉर अस टू रेस्पायर। वी कैन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इवन अदर पार्ट सच एज ग्रीन स्टेम्स एंड ब्रांचेस वेरी रेयरली होता है मतलब डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं
उनमें फोटोसिंथेसिस आल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड ब्रांचेस. तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड ये जो प्रोडक्ट होता है वो आके स्टार्च होता है. स्टार्च इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो एक और आप क्वेश्चन पूछा गया था हमारी टेक्स्ट बुक में जो कि है कि पहली वॉन्ट्स टू नो वॉट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज वुड बट नॉट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. क्या इसका जवाब आप दे सकते हो? इसका आंसर ये है कि लीव्स कैन क्या कहते हैं, लीव्स can synthesize food because they can take up the sunlight, whereas other जो parts होते हैं, stem होते हैं, root है, वो root जो होते हैं वो अंदर होते हैं, किसके, soil के अंदर. तो for them it is little like it is not possible to take sunlight directly. तो that's why like leaves के through ही खाना बनता है, maximum photosynthesis occur होता है. ठीक है, not by other part of the plant in real. तो कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? यही मैंने पहले बोला था, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो आप सोच सकते हो खाना ही नहीं बनेगा. खाना नहीं बना तो हाउ विल वी ईट, राइट? तो फोटोसिंथेसिस जरूरी है. इसका फॉर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इन्होंने एक एक्टिविटी दी है जो कि लीफ स्टार टेस्ट है, जिसमें आपको दो पॉट लेना है सेम टाइप के, और एक आके यू हैव टू कीप इट इन सनलाइट एंड द अदर वन यू हैव टू कीप इट इन डार्क फॉर 72 hours. आफ्टर 72 hours यू हैव टू प्लक वन लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड पुट एन आयोडीन सॉल्यूशन टू इट. व्हेन यू ऐड वन ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द लीफ ऑफ द प्लांट व्हिच वाज केप्ट इन सनलाइट, यू कैन सी दिस ब्लू ब्लैक कलर ऑन इट, जो कुछ भी व्हिच इज नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ठीक है, और जो डार्क एरिया में रखा है यू कैन इवन सी द इफेक्ट ऑफ क्या कहते हैं स्टार्च ऑन इट. ये फोटो आप देखो, कैन यू सी फ्रॉम येलो टू ब्लू ब्लैक. तो जहां जहां लाइट पड़ी है, सनलाइट गिरी है लीफ के ऊपर, दैट पार्ट गेट ब्लू ब्लैक कलर. देन द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जैसे कि आपने देखा रहेगा कि नॉट ऑल लीव्स आर ऑफ सेम कलर. थोड़े बहुत डार्क ब्राउन होते हैं, थोड़े येलो होते हैं, थोड़े पर्पल होते हैं, थोड़े ऑरेंजिश होते हैं. ये क्यों होता है? द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. उनमें भी होता है बट द डोमिनेंस ऑफ द अदर कलर इज ग्रेटर देन द ग्रीन कलर. तो इस लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है. नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. तो अभी सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बोले तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी और चीजें प्लांट बनाता है. वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन. दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स. दे आर ऑल्सो यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. बट प्रोटीन्स आर, अब ये प्रोटीन्स आके क्या होते हैं? दे आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस. और नाइट्रोजनस सब्सटेंस के वर्ड से ही पता चलता है कि इट इज मेड अप ऑफ विच कंटेन नाइट्रोजन. ठीक है, और ये नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैशियस फॉर्म इन द एयर. हमारी एयर में देयर इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अबंडेंस और विच इज इन गैशियस फॉर्म. तो अब ये गैशियस फॉर्म है, तो अब ये प्लांट डायरेक्टली गैस में, गैशियस फॉर्म में तो नहीं ले सकता. देन हाउ डज इट टेक, हाउ डज इट टेक, यही इसमें कहा गया है कि From where do these plants obtain nitrogen? So soil, जो होता है, they have certain bacteria which can convert this gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. And these are absorbed by the plants along with the water. ठीक है? So they are using this gaseous nitrogen from the soil and using it for their nutritional purpose. तो इसीलिए फार्मर्स आके फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं फॉर नाइट्रोजन सोर्स. तो इसी तरह प्लांट को हर न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल में से टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट. एंड कहते हैं कि प्लांट्स कैन आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है नाइट्रोजन, थर्ड वन इज प्रोटीन्स एंड फोर्थ इज विटामिन्स. ये चार चीजें प्लांट इज प्रोड्यूसिंग. अब दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मशरूम. ठीक है, मशरूम और फंगाई. तो देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे के नॉट सिंथेसाइज फूड. तो अभी कैसे सर्वाइव करते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, या जो खाना नहीं बना पा रहा है वो कैसे करते हैं? तो जैसे हम ह्यूमंस है, एनिमल्स है, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड. तो सिमिलरली लाइक एंड फूड एनिमल्स एंड ह्यूमंस, थोड़े प्लांट्स होते हैं विच आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर सोर्स ऑफ फूड. तो दे यूज दिस हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल है कैस्कटाम अमारबल, यहाँ पे फोटो देख सकते हो. ये एक प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन दी अनदर प्लांट फॉर देयर फूड. दिस प्लांट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. ठीक है, सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, कस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. तो होस्ट पैरासाइट कहते हैं, जिसपे वो फीड कर रहा है उसको कहते हैं होस्ट, और वो खुद जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उसको कहते हैं पैरासाइट. सो कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. तो अब ये क्वेश्चन आते हैं, आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? आप क्या बोलते हो, हम भी पैरासाइट्स हैं? इसका आंसर ऑब्वियस है कि नहीं. हम इधर आता है सी पैरासाइट. पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मस्कीटोज, बेड बग्स, फ्लाइज एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स. तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव, फीड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और ये परमानेंटली दे लिव ऑन देयर होस्ट. हाउएवर ये जो मस्कीटोज होते हैं, बेडबग्स होते हैं, लाइस होते हैं, दे डू नॉट फिट इन टू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट्स. दे मे फीड ऑन आर ब्लड बट दे आर सर्टनली डोंट लिव एंड डिपेंड ऑन अस. तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इट इज फॉर देयर ओन, दे क्या कहते हैं, नॉट दे यूज अवर न्यूट्रिशन फॉर देयर ओन लाइफ. तो इनको पैरासाइट नहीं कहते हैं. अब दूसरा एग्जाम्पल है, वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब कि जो प्लांट होता है वो आके इंसेक्ट को ट्रैप करता है आपके अंदर फॉर इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, उसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट. हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? आपने सुना है पर तो नहीं सुना है तो लाइक ऐसा भी प्लांट है जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स को फीड करते हैं. देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम. उसका प्लांट का नाम है पिचर प्लांट. द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर, ये इसको पिचर कहते हैं. इसका ये जो है इसको लिड कहते हैं. ठीक है, और ये जब इंसेक्ट इधर इसके अंदर बैठता है तो इट ट्रैप्स इनसाइड, विच इसके अंदर जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जाके वो फंस जाता है. एंटेंगल्ड इन टू द हेयर द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है. तो आपको यही बताना कि इंसेक्टिवोरस आके पिचर प्लांट इज एन एग्जाम्पल. एक और डाउट टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया गया था, वो जो इज कंफ्यूज, इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स. सही है, मतलब इसका कलर ग्रीन है बराबर, तो डज इट टेक, मतलब इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, आपको ये डाउट आना चाहिए. तो इसका जवाब है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रोज इन सॉइल विच डू नॉट कंटेन सफिशियंट नाइट्रोजन मटीरियल, सो दे फीड ऑन इंसेक्ट टू ऑब्टेन दिस नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है, तो पिचर प्लांट कैन लिव विदाउट इंसेक्ट, मतलब कैन लिव विदाउट इंसेक्ट बट इट वुड बी मोर हेल्थियर इफ इट ट्रैप्स इंसेक्ट फॉर इट न्यूट्रिशन. तो ऐसा भी नहीं है कि इट कैनॉट सर्वाइव विदाउट ट्रैपिंग इंसेक्ट, इट कैन सर्वाइव बिकॉज उसमें फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सैप्रोट्रोप्स. अब ये सैप्रोट्रोप्स क्या है? सैप्रोट्रोप्स उनको कहा जाता है जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आके है डेड और डीकेइंग मैटर. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. एग्जांपल मशरूम एंड फंगाई. ठीक है, फंगाई और मशरूम आके दे टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग मैटर, और सच ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सैप्रोट्रोफिक
mode of nutrition. Such organism with separate mode of nutrition are called saprotrophs. आप ये एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हो घर पे, जिसमें आपको एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर, थोड़ा पानी डालो एंड लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपियर ऑन देम. तो अब इसके कलर ऑफ दिस पैचेस क्या होता है आप ऑब्जर्व करो. तो यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड. ओके, यू विल फाइंड स्मॉल स्मॉल पीस, क्या कहते हैं, कॉटन लाइक थ्रेड्स. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई. They have different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. तो इसके लिए इनको saprotrophs कहते हैं. They are depend on their mode of nutrition is bread. इसमें fungi bread को खाके अपना nutrition बनाते हैं. तो fungi is यहाँ पे देख सकते हो is growing on the bread. Fungi और कहाँ कहाँ पाया जाता है? You can see this in your daily life. आपके मम्मी को पूछ सकते हो कि आप कहाँ कहाँ देखते हो जनरली. तो आपकी मम्मी बताएगी यू यूजुअली फाइंड दिस इन पिकल्स, फिर गीली क्या कहते हैं वॉल्स पे, सीलिंग्स पे यू कैन फाइंड दिस स्पोर्स ऑफ फंगाई ऑन डैम्प वॉल. तो फंगाई आल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. तो इसपे क्या होता है, फंगल स्पोर्स होते हैं. फंगल स्पोर जो होता है विच इज प्रेजेंट इन द एयर, और जब ये गीली चीज होती है या वार्म थिंग्स होती है दे ग्रो देयर एंड जर्मिनेट. Wherever there is moist area in your house or कहीं पे भी moist जगह पे आपको ये चीज रखते हो for long time, वहां पे fungus start हो जाता है produce होना. और एक example है lichen का. अभी lichen क्या है? Lichen एक ऐसा organism है which lives on fungus and algae. ठीक है, an organism called lichen, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus. In which an algae and a fungus live together. ठीक है, the fungus provide shelter. Fungus क्या करता है इसमें जो है वो shelter provide करता है water, mineral to the algae, and algae in return prepares food to the fungus. तो यहाँ पे mutual relationship होता है algae और fungus में. And वो ये organism lichen में पाया जाता है. अभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब सिम्बायोसिस कौन से प्रोसेस को कहते हैं. देर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच लिव टूगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. सर्टन फंगाई, जैसे कि एग्जांपल, सर्टन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स. ये आगे की स्लाइड में आएगा, जिसका एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया. So how nutrients are replenished in the soil? Replenished बोले मतलब how, मतलब आप कैसे रख सकते हो, मतलब how can you keep it for long? ये nutrients जो soil में होते हैं, how can you store it for long? तो जैसे आपने पढ़ा है कि plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. ठीक है, एक plants जो होता है that keeps on absorbing the nutrients from the soil, तो एक point पे होता है कि there is not much nutrients present in the soil. तो इसके लिए fertilizers और manure डालना पड़ता है. तो fertilizers and manures contain कौन से nutrients, nitrogen, potassium and phosphorus. These nutrients are added from time to enrich the soil. So usually crop plants absorbs a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. So nitrogen gas is available in plant. ये हमने पढ़ा था शायद ये nitrogen gas के बारे में, जो available होता है वो बहुत ज्यादा होता है atmosphere में, but plants cannot use this like जैसे carbon dioxide is able to use freely. So they need nitrogen in a soluble form. अब ये कैसे होता है, कैसे वो soluble form में plant को दिया जा सकता है? तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम. राइजोबियम आके बैक्टीरिया है जो प्लांट में होता है. द बैक्टीरियम कॉल राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड. ठीक है, तो ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, बनाता है. तो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ, कहाँ लिव करता है ये, इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. तो राइजोबियम हर किसी soil में नहीं पाया जाता, जहां leguminous plants हैं वहीं पे राइजोबियम ज्यादातर पाया जाता है.
इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दिस बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. राइजोबियम प्लांट को हेल्प कर रहा है, प्लांट आके राइजोबियम को हेल्प कर रही है. तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे नोड्यूल है, राइजोबियम बैक्टीरिया इन नोड्यूल, इट इज टेकन अप बाय द प्लांट. यहाँ पे नाइट्रोजन जो एयर में है, विच इज फिक्सिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप रेसिड्यू में, ये डिकम्पोज होके मिनरल नाइट्रोजन वापस फॉर्म होता है और प्लांट ग्रो होता है. Thus, they have a symbiotic relationship. This association is of great importance for the farmers. तो farmers ज्यादातर जो fertilizers use करते हैं, उनको ये fertilizers use करने की जरूरत नहीं है जिसमें nitrogen ज्यादा हो. They can use this set of legumes instead. They can reduce the use of nitrogen as fertilizer. The leguminous plants are grown. तो ये सब examples हैं pulses के. Most of the pulses are obtained from the leguminous plants. Green beans, peas, soya bean, चिकन नट्स, पीनट, लेंटल्स, बीन्स. ठीक है बच्चों, तो अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, लेट अस गेट इनटू. इन शॉर्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड. और दूसरा है, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ. हमने पढ़ा था ऑटोट्रोप्स के बारे में, और इसके लिए फोटोसिंथेसिस आके बहुत जरूरी है. सो क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. फिर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस. हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स आर हेटरोट्रोफ्स और वेरी फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सैप्रोट्रोफिक. पैरासिटिक आपने जो पढ़ा था वो आके इंसेक्टिवोरस प्लांट था, पिक्चर प्लांट, याद है. And they derive their nutrition from other organism. And another example which you learned was rhizobium ka nitrogen fixation. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. तो यही सब इस चैप्टर में आपने सीखा है. होप आपको यह सब टॉप चीजें समझ में आई. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू बच्चों.